भले ये बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं, पर इनका चेहरा ज्यादातर पिता की एक्स गर्लफ्रेंड रीना रॉय से मिलता है। ऐसे में लोगों को लगता है कि सोनाक्षी की असली माँ पूनम सिन्हा नहीं बल्कि रीना रॉय हैं, इसलिए इनका चेहरा एक दूसरे से मेल खाता है। और सोनाक्षी का चेहरा आखिर पापा की एक्स से क्यों मिलता है, इसके बारे में खुद रीना रॉय ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है और क्या कुछ कहा है ये आज हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी हाँ, सोनाक्षी का चेहरा एकदम एक्ट्रेस रीना रॉय से मिलता जुलता है, जो 70 के दशक की स्टार रही है। उसी दौर में शत्रुघ्न सिन्हा भी बड़े स्टार थे, इस वजह से कई तरह के अजीबोगरीब सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्मों में साथ में काम किया था। एक समय पर दोनों के अफेयर की भी खूब चर्चा होती थी। हालांकि रीना ने साल 2000 में फिल्मों को अलविदा कह दिया और वो लाइमलाइट से भी दूर रही, लेकिन जब 2010 में सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्मों में कदम रखा तो एक बार फिर रीना रॉय की चर्चा होने लगी। कहा जाने लगा कि रीना रॉय और सोनाक्षी सिन्हा का चेहरा एकदम मिलता है, कहीं सोनाक्षी रीना की ही तो बेटी नहीं। पर अब हाल ही में रीना रॉय से भी यही सवाल पूछा गया कि सोनाक्षी एकदम इनके जैसी लगती हैं और दोनों का चेहरा एकदम मिलता है, तो रीना रॉय ने जवाब दिया, ये जिंदगी का इत्तेफाक है। उदाहरण के लिए जीतू जी यानी एक्टर जितेंद्र की मम्मी और मेरी मम्मी देखने में एकदम जुड़वा बहने लगती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं उनका कोई कनेक्शन हो। वहीं जब रीना जी से पहले यही सवाल सोनाक्षी सिन्हा से पूछा गया था तो इन्होंने अपने जवाब में कहा कि मुझे लगता है कि मेरी शक्ल मेरी माँ पूनम सिन्हा से मिलती है। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि इनका चेहरा रीना रॉय से नहीं मिलता है। वेल दोस्तों, सोनाक्षी और रीना की शक्ल मिलने पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।